इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। नरावे करके नाम है ना, हाँ, जनरल नरावे। अच्छा, वो जब से गए हैं सऊदी अरब, निर्वाणे कहाँ से आ गया, निर्वाणे। अच्छा, असल विपिन रावत का नाम इतना चढ़ा हुआ ना जहन में कि वो बार बार हुई। अच्छा, तो वो गए हैं सऊदी अरेबिया और उन्होंने जाके मुलाकात की है वहां पे उनके आर्मी चीफ से। अच्छा। ऐसे हुआ है ना, खबरें चल रही है ना बड़े दिनों से, सऊदी अरब का दौरा किया, ये किया, वो किया। असल खबर ये नहीं है। असल खबर यह है कि वली अहद ने, और जो कि वजीर दिफा भी हैं, और उनके भाई जो कि नए वजीर दिफा है, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। अच्छा जी, पहला दौरा था तो वजीर वली अहद मिलते ना, नहीं मिले। तो इतने ज्यादा गोलगप्पे खाने की जरूरत में नहीं है दिल्ली में। नहीं, खबर दे रहा हूं। इन्होंने चिट्ठी डाली, आप देखिए ना, आर्मी टू आर्मी हुआ है ना ये। इसी तरह का वाक्य पोम्पियो के साथ नहीं, सुने ना, ये वहां गए, इनकी तो देखें आप, पहली दफा दौरा करें सऊदी अरब का, तो सऊदी अरब की सबसे पावरफुल पर्सनैलिटी कौन है, वली अहद। बिल्कुल है भी, हमारे आर्मी चीफ जब जाते हैं तो आप तस्वीर के साथ वली अहद के साथ नजर आती है ना, वली अहद के साथ भी बाकी वजीर। अच्छा, वली अहद ही जो वजीर दिफा है, जो मोहम्मद बिन सलमान। अच्छा, इन्होंने जाके चिट्ठी डाली, वहां से ना हो गई। उन्होंने कहा इधर से ही आप मिले और बस इतना ही, ठीक है, खुदा हाफिज़। अच्छा, अब मसला ये तो कोई जो है ना, वो कोई देखें, ये जो जंगी मशकें हैं ये तो कई मुल्कों की होती रहती हैं, हमारी रशिया के साथ होती रहती है, हमारी और मुल्कों के साथ होती रहती, इनकी भी अरब ममालिक के साथ। सवाल ये है कि जो मुसलमान ममालिक हैं, जो खासतौर पर जो इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं इस वक्त, उनके लिए मोदी साहब को ये पता होना चाहिए, जो RSS के गुंडे बैठे हैं वो एक एक्सेस बैगेज होंगे उनके लिए, मतलब एक्सेस बैगेज। ये अब्राहम अकॉर्ड वगैरह तो थोड़ा सा जरा संभल संभल के दूर दूर रहे, उनको मजीद मुसीबत में ना डालें, कि वो पहले ही वहां खपड़ी हुई है कि इसराइल को माना है, क्यों माना है, बोला पता है ये यहां से और कूद गए जप्पी पाने के लिए। तो ये अपने मैं इसलिए बता रहा हूं कि कोई इधर गोलगप्पे खाने के साथ मुजाकरात अच्छा, खास कामयाब नहीं हो। अच्छा, दूसरी बात है ना, मैं इसको देखें, बात सर ये है कि इनको मैसेज आया है स्ट्रेटेजिक पेशेंस का, जो मैंने कल कहा था ना कि इनको मैसेज आया है इंडिया में कि आपने स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखानी है, यानी हिकमत अमली के तहत, ये मिलिट्री में इस्तेमाल होता है लफ्ज़, के अपने अपना गुस्सा काबू पाओ। वो मेरे ख्याल से किसकी एक फिल्म थी, कोई नाना पाटेकर की, जिसमें वो कहता है कंट्रोल। अच्छा, तो स्ट्रेटेजिक पेशेंस होती है ना, गुस्से पे काबू, कंट्रोल अपनी, मतलब है कि कंट्रोल, तो ये इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक पेशेंस, कि स्ट्रेटेजी के तौर पे पेशेंस दिखाएं, सबर करें, दिल चाह रहा है इसका मुंह तोड़ू मैं नहीं। अच्छा जी, कोई नहीं। तो इनको मैसेज गया कि आप स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाएं, फौज में ये होता है स्ट्रेटेजिक पेशेंस के आप दिखा रहे हैं, मतलब जूते पड़ रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, हाँ क्या हाल है, अच्छा जी, हम तो ये चाइना के साथ ही पॉलिसी नहीं, अमेरिका ने इनको कहा कि स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाओ, यानी सबर का मुजाहरा करो, लेकिन उसको स्ट्रेटेजी के तहत पी जाओ, गुस्से को पी जाओ, कंट्रोल ये वाला। अच्छा, अब मसला यह है कि स्ट्रेटेजिक पेशेंस तो ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भेजा है ना, वो तो ट्रंप भी दिखाता रहा है। देखिए, आप सारी बातों को अगर पूरे को आप उस कैनवस को देखें, ट्रंप ने कहा क्या किया है इतने अरसे में, ट्रंप ने भी तो यही कहा था स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाओ, पर असला भेज दिया, हाइड्रोक्लोरोक्विन उठा ली, ये कर लिया, वो कर लिया, बीका कर लिया, वो क्वाड कर लिया, ऑन ग्राउंड क्या किया, असला खरीदो, ये करो, आगे जाओ, पीछे जाओ, ऐसे करो, ये बन गया, प्रैक्टिकली क्या हुआ, प्रैक्टिकली कुछ नहीं हुआ ना। तो वो स्ट्रेटेजिक पेशेंस तो वो भी दिखाता रहा इंडिया, ये पूरा जो था, बाइडेन आ रहा है, बाइडेन ने आते ही मैसेज भेज दिया स्ट्रेटेजिक पेशेंस कि जरा मामला ठीक करो, हमने चाइना वाइना से बात शुरू करनी है, तुम लौड़ा लप्पा लेके बीच में मत आ जाना, मतलब हम बात कर रहे हैं, जाना क्या हाल है जी जी पिंग, बाइडेन कह रहा है उधर से छोटा सा बच्चा कपड़े खींच रहा है, मुझे बचाओ, मतलब तुम साइड पे जाओ, दूर हो जाओ, अपने मामले को तय करो, मतलब हम बाइडन देखिए ना, बाइडन बात करने जा रहे हैं, एक छोटे एक दर चिपका हुए थे, तो आप दफा हो जाओ, अपने मसले स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाओ, जो करने करो, बाद में आना तुम। अच्छा, अब इंडियंस जो है मोदी
सोच रहा है कि यार एक मिनट ठहर जाए जरा, ये स्ट्रेटेजिक पेजेस तो हम दिखा रहे हैं पिछले इतने अरसे से, साल से, तो, साल से दिखा रहे हैं, तो ये आके इसने हमें पहले ही मैसेज भेज दिया कि अपने तालुक जरा ठंडे करो, सब्र और करो और पियो और कंट्रोल। अब मसला ये है कि अब इस पूरे पिक्चर में तो उधर से वो सऊदी अरब की तरफ ये मैसेज आ गया। डॉक्टर साहब की आपने बातें सुनी, डॉक्टर चमन साहब ये जो है इस तरीके की बातें करने में मशहूर है। डॉक्टर चमन ने बोला है कि इंडियन आर्मी चीफ जो यूएई और सऊदी अरेबिया की विजिट में गए थे, सऊदी अरेबिया में इनसे एमबीएस क्यों नहीं मिले। तो डॉक्टर चमन, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री और यहाँ पर जो आर्मी टू आर्मी रिलेशनशिप होते हैं, आर्मी का बंदा जाके किसी दूसरी कंट्री के हेड से जाकर नहीं मिलता है, वहाँ पर इंडिया के हेड टू हेड मिलते हैं। इनको ये बात पता नहीं है हालांकि, क्योंकि इन्हें अपने पाकिस्तान की कंट्री की कंडीशन की हालत पता है, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है जो इनके जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, कहीं चीन से रिलेशनशिप ख़राब है तो वो पहुँच जाते हैं, कहीं यूएई से ख़राब है तो बाजवा पहुँच गया। तो एक्चुअली में आपको पता होगा कि पाकिस्तान इज़ अ नॉट अ लोकतंत्र, मतलब यहाँ पर कोई डेमोक्रेसी नहीं है, तो ये लोग ऐसे ही बात करेंगे। तो उन दूसरी कंट्री को भी पता है कि इनके आर्मी चीफ से हमें क्यों मिलना है, क्योंकि जो पावर में पावरफुल रहता है उसी से मिलेंगे। तो एमबीएस मोदी साहब से मिलेंगे कि आर्मी चीफ से मिलेंगे, वहाँ के जो आर्मी चीफ के हेड है वो इंडियन आर्मी चीफ के हेड से मिले, बात टर्न हो गई। अगर इंडियन आर्मी चीफ पाकिस्तान जाएंगे तो डेफिनेटली वो कमर जावेद बाजवा से मिलेंगे, इंडिया की तरफ से अथॉरिटी है वो कि वो बाजवा से ही मिल सकते हैं, वो इमरान खान से तो मिलेंगे नहीं। अगर इंडिया की तरफ से डेमोक्रेसी में यही होता है, डॉक्टर चमन को ये कौन समझाए। डॉक्टर चमन तो अपनी फ्रिक्शन भरी स्टोरीज बनाकर पाकिस्तानियों को खुश करेंगे और खुद हंसेंगे और बकवास करेंगे, गोलगप्पे खा लिए इनने ये और वो, इनके पास अकल ही नहीं है। इंडियन आर्मी का जो दौरा पहले से डिसाइड किया गया था उसमें पहले से जो मीटिंग फिक्स हुई थी उन्हीं से मिलेंगे, ये क्या मतलब, इनके पास कहाँ से ये न्यूज आती है, कहाँ से ये बकवास करते हैं, मतलब हद है, ये कोई लॉजिकल बात तो करेंगे नहीं। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो खत्म। आपको पता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो रिलेशनशिप है इतने मतलब घटिया हालात में चल रहा है, उस पर इस डॉक्टर घोचू ने कोई डिस्कशन नहीं किया। ये पता नहीं मिडल ईस्ट ये वो कोरोना ये बकवास करता रहेगा और ज़बरदस्ती के खुद ही एंजॉय करता है, मतलब ये एक ऐसा बंदा है जो अपनी बातें स्टोरी बनाएगा, खुद ही एंजॉय करेगा उन बातों को और लोगों को एंजॉय करवाएगा। और ये जर्नलिस्ट इसी चक्कर में एक बार जेल भी जा चुका है, इसने एक बार पाकिस्तान में एक रेप हुआ था, तो जिसने रेप किया था इसने बताया था कि उसके अकाउंट में इतने हज़ार डॉलर अवेलेबल है, मतलब इस तरीके की इसने घटिया बातें की, जिसके बाद इसको मतलब पाकिस्तान में, और इसने कुछ और भी बहुत सारी उल्टी सीधी बातें की थी जिसके कारण इसको जेल हो गई थी। तो डॉक्टर चमन के आपको इसी तरीके के वीडियो मिलते रहेंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसकी बातों को एन्जॉय करें, सीरियसली ना लें, ये डॉक्टर चमन आपको एन्जॉय कराने के लिए आता है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।